तो अभी हम देखते हैं फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे HTML का एक कोड किया है जिसमें मैंने लिखा है, एक डिव बनाया जिसके अंदर एक क्लास लिखी है मैंने मेन की, और एक दूसरा डिव बनाया जिसमें मैंने क्लास लिखी है डिव क्लास सब, ठीक है। और उसके बीच में लिख दिया मैंने फ्लैक्स बॉक्स। अब बेसिकली ये ब्राउज़र पे कैसे नज़र आएगा, हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं इसको ब्राउज़र पे, और यहाँ से हम राइट बटन दबा के इसको करते हैं यहाँ से ओपन इन ब्राउज़र, और ये हमें गूगल क्रोम पे इस तरह से नज़र आएगा डिस्प्ले CSS फ्लैक्स बॉक्स। अब इसका CSS का कोड करने के लिए मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और उसमें मैं लिख रहा हूँ फ्लैक्स स्टाइल डॉट CSS, यहाँ पे रख दिया और इसको क्लिक करके मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ पे लिंक के साथ, और यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया फ्लैक्स स्टाइल डॉट CSS। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, मिसाल के तौर पे इसकी CSS कैसे करेंगे, तो दो क्लासेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। एक क्लास हमेशा डिफाइन होगी डॉट डॉट के साथ, तो ये मेन क्लास डिफाइन कर दी हमने, और जो उसके अंदर एक कंटेनर है वो सब क्लास के साथ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक है मेन और एक है सब, ठीक है। मेन के अंदर सब है, सही। अब इसके लिए पहले मेन कंटेनर को हमने सेट किया, पहले इसकी विड्थ को डिफाइन किया हमने, सपोज 100% कर दिया यानी कि पूरा कंज्यूम करे, और हाइट को हमने डिफाइन किया 400-500 पिक्सल कर दिया, और इस तरह से मैं एक बैकग्राउंड कलर या कोई इमेज लगाना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी पर है, तो मैं बैकग्राउंड कलर भी लगा सकता हूँ उसके ऊपर। और यहाँ पर हम एक कलर लगा देते हैं, सपोज टू बी कोई भी एक कलर ले लेते हैं, इक्वल कलर ले लिया, तो यहाँ रिफ्रेश करने पे ये कुछ इस तरह का कंटेनर बन जाएगा। अब जो इसके अंदर वाला कंटेनर है उसकी विड्थ को मैंने यहाँ पे सेट किया, सपोज टू बी 400 पिक्सल पे ले लिया, और उसकी जो हाइट को डिफाइन किया हमने सपोज 100 पिक्सल पे ले लिया, और जो उसकी बॉर्डर डैश रेडियस प्रॉपर्टी है उसको ले लिया मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल के ऊपर ही, तो ये इसके अंदर एक और कंटेनर बनेगा। और उसके बाद इसकी बैकग्राउंड कलर के अंदर मैंने जो है इस तरह का कलर डाल दिया चॉकलेट कलर, और रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए कंटेनर बन गया। अब इस तरह के जितने कंटेनर चाहें आप इसके अंदर बना सकते हैं और उनको अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको 400 से कम करके 200 कर दें, और उसको 100 से कम करके 50 कर दें, और रेडियस को भी 50 पर रख लें, तो ये कुछ इस तरह का कंटेनर बन जाएगा और ये इस तरह से दिखाई देगा हमें। अब मसला ये है फ्लैक्स बॉक्स हमें हेल्प क्या करेगा। फ्लैक्स बॉक्स क्या करता है कि मेन के अंदर जितने कंटेनर आप रखेंगे, मतलब जो भी मेन कंटेनर बनाएंगे उसके अंदर जितने कंटेनर रखेंगे उनको आप इजीली फ्लैक्स बॉक्स के जरिए उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मेन कंटेनर में जाएंगे और इस कंटेनर को पहले करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को जाके फ्लैक्स। जैसे ही फ्लैक्स करेंगे तो ये पूरा कंटेनर पूरा जो है फ्लैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें यूज करनी है दो प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी है, एक है अलाइन आइटम और एक है जस्टिफाई कंटेंट। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक सपोर्ट देंगी इसके अंदर वाले कंटेनर को सेट करने में। अभी मैंने अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया है और जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू को भी क्या कर दिया है, सेंटर कर दिया है। तो देखिए ये दोनों के सेंटर में आ जाएगा, और इसके बाद जब मैं इसका साइज को रिड्यूस करूंगा तो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर ये खासियत होती है कि जितनी छोटी स्क्रीन पे खुल जाए वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा और टेक्स्ट को और उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को खुद ही एडजस्ट करता रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखें कि जस्टिफाई कंटेंट में और कौन सी वैल्यूज हैं, हम इसको यहाँ पे लेफ्ट रखेंगे वैल्यू तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, अगर राइट रखेंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा और ये राइट पे इस तरह से दिखाई देगा। अच्छा, अगर इसके बाद हम इसको जस्टिफाई कंटेंट में और भी वैल्यूज हैं, अगर आप यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे देखें और भी वैल्यूज देखने को मिलेंगी। बेस लाइन है, सेंटर है, फर्स्ट बेस लाइन है, फर्स्ट एंड है, लेफ्ट है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस इवनली है, ये कहाँ यूज करेंगे अभी बताते हैं। पहले आप इन दोनों को सेंटर पे करके देख लें ताकि ये दोनों इस तरह से आपको नजर आए। अब अलाइन आइटम जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो क्या करेगी, वो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर, और अगर आप इसको टॉप पे सेट करना चाहते हैं तो टॉप पे रख लें, अगर आप इसको बॉटम पे करना चाहते हैं तो बॉटम पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो रही थी आपके एक कंटेनर की, अच्छा बॉटम नहीं एंड लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं दोनों साइड से इसको सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे आपको ये सेंटर में नजर आ रहा है। एक तो इसमें हम ये काम कर सकते हैं, दूसरा काम ये कि हम यहाँ पे ये जो सब कंटेनर बनाया था ना, ऐसे 3-4 और कंटेनर बना लेते हैं। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले HTML के कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और ये सब कंटेनर में हम यहाँ लिख लेते हैं फ्लैक्स बॉक्स 1, ठीक है। इसके अंदर मैंने फ्लैक्स बॉक्स 1 लिख दिया, टेक्स्ट बॉक्स 1 था, और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके ये मेरा कंटेनर, ये कहाँ का मुरा, यहाँ पे इसको कॉपी किया, इसका नाम मैंने रख देता हूँ सब 1, और इसका कर देता हूँ सब 2, और इसका कर देता हूँ सब 3। तो ये हो गया मेरा सब 1, सब 2, सब 3, सब 4, ये इनके मैंने क्लासेस के नाम भी चेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स 1, फ्लैक्स बॉक्स 2, फ्लैक्स बॉक्स 3 इस तरह से कर दिया, और इसका फ्लैक्स बॉक्स 4 कर दिया, यहाँ पे इस तरह से हो गया। रिफ्रेश करते हैं,
तो अब क्या हुआ कि ये हो तो गए चार, लेकिन CSS की प्रॉपर्टी को भी उतना ही एक्सटेंड करना पड़ेगा, सब वन है। तो फिर आप उसको जाके कॉपी करेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ पे क्लिक करके 2, 3 एंड 4 के लिए डेटा को मैंने पेस्ट किया, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 कर दिया। और चेंजेस के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कलर्स को चेंज कर दिया। इसका कलर मैंने सपोज टू बी ये ले लिया, इसका कलर मैंने सपोज टू बी ये ले लिया, इसका कलर मैंने सपोज टू बी ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चार कंटेनर्स आपको नजर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखें फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी का कमाल। अब देखिए चार कंटेनर तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कमाल ये होने वाला है कि आप जब यहाँ पे आके जस्टिफाई कंटेंट को लेफ्ट रख रहे हैं तो ये तो लेफ्ट कर रहा था, जब सेंटर कर रहे हैं तो सेंटर कर रहा था, लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट कर देगा, राइट करेंगे तो राइट कर देगा। ये तीन प्रॉपर्टी तो आपने समझ ही ली थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दूसरा कमाल इसका ये होगा कि आप यहाँ से वैल्यू लेंगे, इसको यहाँ क्लिक करेंगे और इसको कहेंगे स्पेस अराउंड। जैसे ही स्पेस अराउंड आप पास करेंगे तो ये चारों कंटेनर जो है इक्वल, यानी कि लेफ्ट और राइट का स्पेस इनका इक्वल हो जाएगा और सेंटर के स्पेस इनके इक्वल हो जाएंगे, तो ये स्पेस अराउंड पे खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर आप स्पेस अराउंड को हटा के इसको एक और वैल्यू पास करेंगे, मिसाल के तौर पे स्पेस बिटवीन, तो जैसे ही आप सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे एडजस्ट हो जाएंगे और बीच के स्पेस इनके इक्वल हो जाएंगे, तो स्पेस बिटवीन इस तरह से काम करेगा। और अगर आप इसको तीसरी वैल्यू पास करेंगे इफ इवनली, यानी कि स्पेस इवनली, तो आप यहां नोट करेंगे रिफ्रेश करने पे सबका स्पेस लेफ्ट और राइट मार्जिन का और बीच के स्पेस भी इनके इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनके लिए बेहतर तरीके से इनके लिए जो आप काम ले सकते हैं और ये आपको इस तरह से एडजस्टमेंट्स मान देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आप इसको छोटा करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की ये खास बात है कि छोटा भी खुद ही हो जाएगा और बड़ा भी खुद ही हो जाएगा। अच्छा, एक और खास बात इसके अंदर ये है कि अगर इसके अंदर हम मेन कंटेनर में जाके लिखेंगे प्रॉपर्टी है, यानी कि फ्लेक्स डैश डायरेक्शन, और डायरेक्शन अभी हमारी है किसमें, रो में, और इसकी डायरेक्शन को अगर हम कॉलम कर देंगे तो यही कंटेनर बगैर किसी चेंजेस के ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे। देखा आपने, मैंने कोई कोड के अंदर चेंजेस नहीं किया, सिर्फ उसको फ्लैक्स टेक्स्ट डायरेक्शन मेन कंटेनर में कर दिया कॉलम में, तो ये देखें सीधे हो गए। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट वैसे रो होती है, अगर आप रो लिख देंगे तो फिर ये रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये चीज आप इसमें, अब ये जो नीचे कंटेनर बनाए ना, इनके अंदर आप फोटोज लगा सकते हैं, इनके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इनके टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं, तो वो और तरीके से बेहतर तरीके से आपको नजर आएगा और ये एडजस्टमेंट होती रहेगी। तो अभी हमने टेक्स्ट के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट का भी कंटेनर बनाया डिव क्लास टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। तो टेक्स्ट बॉक्स के नाम के क्लास को डिक्लेयर करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और ये आ गया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की अपनी क्लास बनाई और इसके अंदर ही डाल दिया, क्लास ही बनाएंगे, हाँ ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें भी ऐसा भी हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स किसके अंदर है, टेक्स्ट बॉक्स है इस सब के अंदर। तो आप क्या करें, इस सब के अंदर चले जाएं, फिर हर किसी के सबको डिफाइन करना पड़ेगा, तो सबको डिफाइन करना पड़ेगा, तो एक एक के फ्लेक्स डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसके अंदर यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे कर देते हैं अगर हमें सेंटर करना है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करें और यहाँ पे इसको कहेंगे कॉपी करें और ये तीनों के अंदर पेस्ट कर देते हैं, और इसको स्पेस इवनली की बजाय क्या करेंगे, सेंटर कर देते हैं, ताकि टेक्स्ट दोनों साइड से कहाँ पे आ जाए, सेंटर। तो यह देखिए ये सेंटर आ गया, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज आप यहां से लेके कॉपी करेंगे और यहां पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, यहां पे जाके पेस्ट करेंगे और यहां पे जाके पेस्ट करेंगे, तो देखिए अंदर वाला टेक्स्ट खुद ही उनका सेंटर हो जाएगा, ये देखिए। अब बाकी रहेगी टेक्स्ट की बात, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आप यहां डिफाइन कर लें, टेक्स्ट के कलर को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसा देखना चाहते हैं, तो यहां पे आप कलर कर दें, कलर डाल के इस पे आप सपोज टू बी, वैसे मुझे तो लग रहा है ब्लैक कलर ही सही है इसके ऊपर, तो ठीक है ऐसा करते हैं, कलर व्हाइट करते हैं इसका, जैसे ही व्हाइट कलर करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इसका फॉन्ट डैश साइज प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और इसमें हम इसमें एक साइज फिक्स करते हैं सपोज टू बी 18x22 पिक्स का रखते हैं और इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉन्ट डैश वेट को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे जाके हमने किया फॉन्ट डैश वेट और उसको कर दिया बोल्डर, और बोल्डर तो यहाँ पे कर दिया हमने इसको, और फिर उसके बाद देखा जाके तो ये देखिए थोड़ा सा मोटा भी हो गया। और इसकी अपीरियंस को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें टेक्स्ट डैश शेडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे टेक्स्ट डैश शेडो लिखेंगे तो इसका पिक्सल बताना है, 5 पिक्सल का एक्स पोजिशन, 5 पिक्सल की वाई पोजिशन,
और यहाँ पे 5 पिक्सल का ब्लर, और यहाँ पे हमने इसका कलर बता दिया ब्लैक, और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखें इसके पीछे शेड भी आ गया जो कि 5-5 पिक्सल अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे है। फॉन्ट टेक्स्ट साइज में थोड़ा सा बढ़ा के 24 पिक्सल पे कर देते हैं ताकि एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, और इसकी 5-5 पिक्सल की पोजीशन को कम करके हम कर देते हैं 2 पिक्सल एक्स पोजीशन को, 2 पिक्सल वाई पोजीशन को, ब्लर रेट को 5 पे रखेंगे तो ये देखें इस तरह से नजर आएगा। तो आपका जो टेक्स्ट थोड़ा सा लाइट हो रहा था वो थोड़ा सा और बेहतर हो गया और आपको इसमें और बेहतर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से देखें आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें एक अच्छी और इफेक्ट भी हम डाल सकते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर आप और इस पे काम करना चाहें, अभी सबकी हाइट 50 पिक्सल्स के ऊपर है, हाँ तो एक की हाइट को 50 करते हैं, दूसरे की हाइट को हम कितना करते हैं 75 करते हैं, तीसरे की हाइट को हम बढ़ा के क्या करते हैं 100 करते हैं, और चौथे की हाइट को बढ़ा के 125 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब इफेक्ट और अच्छा बन जाएगा और ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे, सही है। तो ये इस तरह के इफेक्ट्स भी आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप इसी का इनका भी शेड बनाना चाहते हैं, ये जो पीछे बने हुए हैं इनके भी शेड्स आपको दिखाई दें, तो सेम प्रॉपर्टी जो आपने टेक्स्ट डैश शेडो के साथ लिखी है वो आप इस सब वन और सब टू के साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जैसे लिखेंगे बॉक्स डैश शेडो, सेम प्रॉपर्टी है और वही वैल्यू पास करते हैं। 5 पिक्सल ले लेते हैं हम लेफ्ट से, 5 पिक्सल ले लेते हैं राइट से, यानी कि एक्स और टॉप एंड बॉटम वाई, और यहाँ पे 5 पिक्सल का ब्लर रेड देते हैं और यहाँ पे भी ब्लैक शेड डाल देते हैं। अच्छा शेड ब्लैक भी डाल सकते हैं, व्हाइट भी डाल सकते हैं, ये देखिए इसका शेड आ गया, लेकिन क्योंकि पीछे बैकग्राउंड लाइट है तो इसलिए हम ब्लैक शेड डाल रहे हैं ताकि सबका शेड जो है वो डार्क पड़े, ताकि उसके ऊपर अलग से इनकी अपीयरेंस बन जाए। तो ये देखें और खूबसूरत इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सही है। तो अब देखें ये फ्लेक्सिबल भी है, मोबाइल स्क्रीन पे खोलेंगे तो ये इस तरह से एडजस्टेबल भी है, ऑटो एडजस्टेबल भी है, ये देखिए सही है, और ये इस तरह से भी नजर आ रहे हैं, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह आप फ्लेक्स बॉक्स से अपने अंदर के कंटेनर के ऑब्जेक्ट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं।